कहता है आइए और यही शब्द कहता है जाइए। शब्दों का उपयोग कहाँ किस जगह करना है सोच समझ के करना चाहिए। ये कथा ही नहीं है, ये कथा शायद आपको आगे जीने की राह दिखाएगी। ये सूत्र कहीं ना कहीं आपको आगे कैसे चलना है, समाज में कैसे चलना है, समाज के बीच में बैठ करके कैसे बोलना है, यही कथा में सिखाती है। ये संस्कार देने वाली कथा है, समझ रहे हैं माताओं? सुनिए, जब परशुराम जो फरसा को जो छोड़े थे तो वही फरसा को जब घसे और घस करके जमदग्नि महाराज ने जब लिए, क्षमा चाहूंगा ददची महाराज ने जब लिया तो ददची महाराज के वज्र हड्डी बन गए। और उसी हड्डी को लेने के लिए इंद्र आया, महाराज मुझे हड्डी चाहिए। तो ददची महाराज की पत्नी है, पत्नी का नाम क्या है? सुवर्चा। कहीं सुवर्चा कहा गया, कहीं सुवर्चा कहा गया है। ये सुवर्चा है। और सुवर्चा से कहे ददची महाराज ने, सुवर्चा आप मुझे पूजन करना है, तुम जल लेके आओ जाओ। माताओं ध्यान देना, सुवर्चा माँ गर्भवती है, गर्भधारण की है। अगर पत्नी है या पत्नी के सामने अगर मैं अपने शरीर को छोड़ू तो पत्नी रोएगी, तो मैं क्या काम करूं? इंद्र वज्र लेने के लिए आया है, हड्डी लेने के लिए आया है, तो मैं क्या करूं? इंद्र से कहे, इंद्र तुम थोड़े देर बाद आना, मेरी पत्नी अभी घर पर है, और मेरी पत्नी जब यहाँ नहीं रहेगी फिर तुम आना। ठीक है बाबा। और इंद्र वहां से चले गए, इंद्र वहां चले गए। अब वहां से जब इंद्र गए कुछ देर बाद ददीची महाराज ने कहा कि सुवर्चा बोले हाँ ना जाओ ना जल लेके आओ, पूजा करना है। और सुवर्चा माँ जल लेने के लिए माताओं तालाब गए, और तालाब गए लेकिन ये नहीं बताए ददीची महाराज कि मैं अपने प्राण छोड़ने वाला हूँ, नहीं बताए। और पत्नी क्या है? गर्भवती है, गर्भधारण की हुई। और माँ जल लेकर के आना है। उतने समय में इंद्र से ददची महाराज कहे, इंद्र जल्दी आओ, मेरे हड्डी को तुम ले जाओ। कैसे ले जाऊं? तुम नमक ले आओ, नमक। नमक लेकर के आया गया, कहा ये नमक पूरे मेरे शरीर पर लगा दो। और पूरे शरीर पर नमक लगा दिया गया, माताओं पूरे नमक लगा दिया गया। अब क्या करूं बाबा? एक काम करो, नमक लगा दिए, अब तुम गौरी माता को लेके आओ, गाय को लेकर के आओ। गाय को लेकर के आए, गौरी माता से कहे, मैया हमारे शरीर को आप चाटिए, अपने जीव से चाटिए। तो आज भी देखना माताओं, गौरी माता जो गाय है, गाय के जीव में कर्कशता होती है, धार होते हैं, रोटी भी खिलाओ जब चाटे तो चुभता है। ददीची महाराज के शरीर पर नमक लगा दिए गए, और सुवर्चा को पता नहीं सुवर्चा कहाँ गई, जल लाने के लिए गई है। अगर पत्नी के सामने प्राण छोड़ू तो पत्नी सहन नहीं कर पाएगी ना। डाल दिए गए नमक, डाले गौरी माता आए और आकर जैसे चाटना चालू किए है, मांस गिरने लगा। ऐसे करते करते पूरे मांस धीरे 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 गिर रहे माताओं, जैसे मांस छोटे से मांस का टुकड़ा बच गया था। जब गौरी माता ने जब चाटे तो पूरे मांस ददीची महाराज के शरीर से गिर गए। इंद्र ददीची महाराज के